हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 19। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 19। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 19। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो माम एवं अष्टमोरा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। यो मा एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यो मामेव सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। किचन बंद कर दो, आ जा रहा है। नेक्स्ट। यस मिनकेतन प्रो। यो माम एवं सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं मम स सर्वदित भजति माम सर्वभावेन भारत। दंडवत प्रणाम। माताजी जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत प्रणाम। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत प्रणाम। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यस हरिणी राम माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। यो माम एवम असम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभुजी। यस चेताली माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत प्रणाम। रितिका माताजी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। यो मामेवम असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। शब्दार्थ या जो
माम मुझको एवं इस प्रकार असम्मूढ़ा संसरहित जानाति जानता है पुरुषोत्तमम भगवान सह वह सर्ववेद सब कुछ जानने वाला भजति भक्ति करता है माम उसको सर्वभावेना सभी प्रकार से भारत हे भरत पुत्र अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्णमूर्ति श्री भक्तिदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। हे भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके सो थोड़ा इसका संस्कृत समझने का प्रयास करें। ठीक है पता नहीं आपको कैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है ठीक है लेकिन बताता हूँ क्या ठीक है। यस पूछ रहे हरे कृष्ण। तो पहला शब्द क्या है यो क्या है यो मतलब क्या होता है जो माम एवं क्या लिख रहे हैं माम एवं मतलब मुझको ही सम्मूढ़ो मूढ़ मतलब होता है मूर्ख क्या होता है और सम्यक मूढ़ मतलब क्या होता है बहुत बड़ा मूर्ख हो है ना और असम्मूढ़ो मतलब जो बिल्कुल बुद्धिमान है ना उसमें कोई मूर्खता का डाउट नहीं है। जानाति पुरुषोत्तमम जानाति मतलब जानता है किसको मुझको पुरुष उत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम के रूप में अच्छे पुरुष के रूप में। अब पुरुषोत्तम की व्याख्या क्या थी इसका व्याख्या 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में हुआ था उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रम विषय विभर्ति अभ्येश्वर वो उत्तम पुरुष कौन है जो उन दोनों से श्रेष्ठ है कौन याद है उत्तम पुरुष तु अन्य याद करिए कौन सा कौन से दो पुरुष से श्रेष्ठ है बताइए 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 कौन क्षर और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ है ठीक है तो वो भगवान कृष्ण है। स सर्वविद भजति माम जो यह समझ जाऊंगा स सर्वविद भजति जो सब कुछ जानता है वह मेरा भजन करता है माम सर्व भावेना हर भाव से मतलब मनसा वाचा और कर्मना वह क्या करता है मेरा भजन कर। तो गीता भूषण टीका इसका हम लोग देख चुके थे है ना कंप्लीट हो गया था ना गीता भूषण टीका जी प्रभु जी तात्पर्य होगा जी प्रभु हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। ऊहापोह मतलब क्या होता है मतलब डायलेमा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कभी 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 ये कभी वो यस समथिंग लाइक दैट मतलब यू नो मतलब मनगढ़ंत विचार ये जो इसने तुलसी पहना होगा ना ये बरगद के पेड़ में उगा होगा उसके बाद उसको छोटा छोटा काटा होगा तब पहना होगा है ना ऐसा विचार अथवा ये जो तिलक लगाया होगा इसके लिए कोई स्टाम्प लाया होगा इसने माथे पे मार लिया होगा इसको क्या कहते हैं ऊहापोह समझ रहे हैं मतलब वह व्यक्ति देखा नहीं है कैसे हुआ है जान नहीं रहा है लेकिन अपना मनगढ़ंत तरीका क्या कर रहा है पेश कर रहा है भगवान जिसको मानो वही भगवान है ना ऐसा ऐसा हो कुछ गलत गलत सलत जो मन सो चीज बोलते रहते हैं है ना ऐसा भगवान से जीव कैसा आया भगवान थे उससे कट 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 जैसे मुरली काटते वैसे कट 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 करके जीव आ गया तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं गलत गलत फिलोसफी लोगों को बताते रहते हैं मतलब गलत दर्शन प्रस्तुत ठीक है खाली खाली फोकट का चिंतन करते रहते हैं ठीक है
जीव कैसे भगवान बना सकता है, भगवान जीव को कैसे बनाया, जो मन सो मतलब जो मन में आता है इसी को वहापोह कहते हैं। यस आगे। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वही सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। जबरदस्त लाइन बोल रहे ना प्रभुपाद, सुपर है ना। मतलब वह डायरेक्ट क्या करने लग जाता है, भक्ति में लग जाता है। मालूम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, वो क्या किस में लग जाता है डायरेक्ट, भक्ति में। वो उहापोह नहीं करता है ना, मनगढ़ंत इधर उधर नहीं जाता है, वो डायरेक्ट भक्ति में लग जाता है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया, यही प्रश्न किया, एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या आध्यात्मिक गुरु सब कुछ जानते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो फिर उसने ये भी पूछा कि क्या आध्यात्मिक गुरु यह भी जानते हैं कि अंपायर स्टेट बिल्डिंग में कितना खिड़की है? प्रभुपाद जी ने कहा, यह जानकर क्या फायदा कि मृग मरीचिका में कितना पानी है। मृग मरीचिका जानते हैं आप लोग? हाँ, मृग मरीचिका जानते हैं? हाँ, मिराज। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका क्या होता है मतलब, ऊंट होता है ना, ऊंट। राजस्थान मतलब रेगिस्तान में, डेजर्ट में ऊंट होते हैं, और ऊंट जब दूर से दिखता है ना तो उसे क्या लगता है कि देखो पानी उड़ रहा है, और वह दौड़ते दौड़ते, अथवा मृग, मृग जो होता है ना वो ऐसा देखता है, समझ जाऊंगा, ऊंट नहीं, मृग। मृग मतलब क्या होता है? हाँ, हिरन। वह देखता है कि देखो रेगिस्तान में पानी बह रहा है, एक्चुअली पानी नहीं बह रहा होता है, आप ही इतना होता है कि उसे आंखों को भ्रम हो जाता है। आप लोग पता नहीं कभी अनुभव किया या नहीं किया, हम लोग बचपन में ऐसा अनुभव किए हुए हैं कि थोड़ा दूर देखते थे ना तो जो रेत होती थी उसके ऊपर लगता था कि पानी चल रहा है ना, गर्मी के दिनों में ऐसा अनुभव होता था, तो उसी को मृग मरीचिका कह देते हैं। तो मतलब ये पानी दिखाई दे, दिखाई पड़ता है, उसमें अगर व्यक्ति नापने जाए, मीटर लेंगे तो क्या फायदा, क्या दिखेगा बताइए? आवाज नहीं अभी भी सड़क पे दिखता है, अभी भी सड़क पे दिखता है प्रभु जी, सड़क पे अभी भी दिखता है ना गाड़ी। हाँ, गाड़ी अगर लेके जाता है आदमी दोपहर वगैरह में तो सामने लगता है जैसे पानी है, लेकिन वहां पे जाने में पानी नहीं रहता है, और वहां पे पानी होता नहीं है ना वास्तव में। पानी होता है कभी? होता नहीं है वहां पे, लेकिन लगता है ऐसा पानी, समझ रहे, ऐसा अनुभव होता है। अब लोगों को कभी अनुभव हुआ कोई राजस्थान से? मुकेश प्रभु, होता है क्या राजस्थान में ऐसा अनुभव कभी? हाँ मुकेश प्रभु, आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी, होता है प्रभु जी, धूप में बहुत होता है। होता है ना, यस। देखो जिनको अनुभव वो बता रहे, ऐसा होता है, वास्तव में होता है, समझ रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मृग मरीचिका में कितना पानी है उसको नाप के क्या फायदा, जब है ही नहीं, क्या वैल्यू है उसकी? एक बात बहुत गंभीरता से समझिए आप लोग, मानव जीवन बहुत बहुत गंभीरता से इसको समझिए। देखिए मानव जीवन डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक स्टेशन है। क्या है? स्टेशन है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मानव जीवन प्राप्त हो गया, वाव रिलैक्स, नहीं। मानव जीवन आखिरी स्थिति नहीं है, आखिरी स्थिति तब है जब हमें हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाए। और हमारा स्वरूप क्या है? क्या है हमारा स्वरूप? दास, स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। उसके साथ मत खेलो, तो छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है, समझ रहे हैं ना? जब तक जीव को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त ना हो जाए तब तक को समझ लेना चाहिए, मनुष्य जीवन डेस्टिनेशन नहीं है, एक स्टेशन है, स्टेशन है ना, जैसे ट्रेन का स्टेशन आता है ना, ट्रेन आता है, ट्रेन का स्टेशन आता है ना, उसके बाद ट्रेन आगे जाता है कि नहीं,
जाता है ना, तो इंड स्टेशन नहीं है भाई यही एंड हो जाएगा, नहीं डेस्टिनेशन नहीं स्टेशन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेशन। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी तेज है ना, वो इस प्रकार से इसको समझ सकता है, वो जिंदगी को अलग प्रकार से जिएगा जैसे आप लोग जी रहे हैं, और नहीं तो फिर क्या लगे रहेंगे जैसे लगे पड़े हैं। मैं इस मानव जीवन में चुनाव कर सकता हूं, मानव जीवन मिला है और इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि हमारा अगला जीवन कैसा हो, समझ रहे हैं? ये मेरे हाथ में, जीव कहाँ जाएगा, कैसे होगा, उसका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, ये कौन चूज कर सकता है? दैट इज ऑन योर हैंड। अब कुत्ते के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ध्यान रखिए। सभी जीवन को, मानव जीवन को एक चौराहे की तरह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक चौराहे की तरह। सभी जीवन में एक ही स्थिति है कि वह ऊपर की ओर ही बढ़ेगा, मानव जीवन की ओर। लेकिन जैसे ही मानव जीवन में पहुंच गए, चारों ओर भगवान रास्ता खोल सकते हैं। आप चाहें तो इससे ऊपर की भी योनि प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे नीचे की भी योनि प्राप्त कर सकते हैं। बाएं दाएं लेफ्ट राइट जिधर जाना है यू कैन गो। आप चाहें तो कुत्ता भी बन सकते हैं, आप चाहें तो बिल्ली भी बन सकते हैं, आप चाहें तो मछली भी बन सकते हैं, और आप चाहें तो अपना स्वरूप वापस भी पा सकते हैं। आप लोग क्या लगता है क्या बनना चाहिए? इस मानव जीवन का चुनाव कर सकता हूं कि अगला जीवन कैसा होगा, कहां होगा, और यह सब कुछ किसके ऊपर आधारित है मालूम है? भक्तों के संग के ऊपर। किसके ऊपर? भक्तों के संग। इसलिए हमारे पास जब भी समय मिले हम भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप, ठीक है, भक्तों के एसोसिएशन में रहें। ध्यान रहे, जितना अधिक प्रगति हम इस जीवन में कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। ध्यान रहे, यह स्टेशन नहीं, यह क्या है? डेस्टिनेशन। क्या है स्टेशन? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मानव जीवन क्या है? क्लियर का पहले आप लोग कंफ्यूजन दूर करिए। स्टेशन है कि डेस्टिनेशन है? जंक्शन है प्रभु जी, जंक्शन। यहाँ से कहीं का भी गाड़ी पकड़ सकते हैं। यस, गंतव्य स्थान नहीं है, ठीक है, बीच वाला जंक्शन। ठीक बोल रहे हैं, जहाँ से चारों ओर की गाड़ी मिल जाए, ठीक है। तो हमें तब तक यात्रा करते रहनी है जब तक अक्षरता तक हम लोग पहुंच नहीं जाए, अपने डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर सकते। यस प्रभु, संपूर्ण भगवद गीता में अब पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है, फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। यह प्रपात क्यों बोल रहे हैं? भगवान कहीं गीता में नहीं बोले हैं कि जीव भगवान बन सकता है? जीव भगवान बन सकता है क्या? आप लोग भगवान बन सकते क्या? हर्ष भगवान बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कहीं भी नहीं बोलते हैं भगवान, कहीं यह बात नहीं बोलते हैं। या ये भी नहीं बोलते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा बैठा है और वो भगवद गीता बोल रहा है। मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग इतने समर्पित होते हैं कट्टरता के प्रति कि तोड़ मड़ोड़ कर भगवान के ज्ञान को क्या करते हैं? पेश करते हैं, ठीक है। Yes, वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। समझना चाहिए कि पहले जमाने में किताबें नहीं हुआ करती थी, तो जो शिष्य होते थे वह क्या करते थे? गुरु को तीन बार कहते थे। कितने बार? और गुरुदेव याद कर लेते थे। कौन याद करते थे? कौन याद करते थे? शिष्य याद कर लेते थे। तीन बार कहते थे, इतने में शिष्य याद कर लिया करते थे। What is going on? क्या हो रहा है वहां पे? Yes. क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? Okay. तो
क्या करते थे पहले जमाने में, लिखने उखने का उतना नहीं फैसिलिटी नहीं था और उतना लफड़ा भी नहीं था, लिखना थोड़ा ज्यादा बल लगता है पढ़ने से ना, तो गुरुदेव बोल देते थे और शिष्य लोग तीन बार सुन करके उससे याद कर लेते थे, है ना। हम लोगों को जरूरत होती है आज लिखने की, क्योंकि हमारी बुद्धि ज्यादा तेज है, बहुत तेज है ना। हम लोगों की बुद्धि इतनी तेज है कि कल रात को क्या खाया था बताओ तो। ए देखो हर सोच रहा है ये भी खिचड़ी खाया था लेकिन इसको याद नहीं है ना, तो समझ रहे ना। उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग खुजलाने लग जाते हैं, अरे क्या खाया था प्रोजी कल, हाँ कल तो सेंटर पे प्रोग्राम था, ओ खिचड़ी डिलीशियस खिचड़ी, ओके समझ रहे हैं, खुजलाना पड़ रहा है। एक बात नहीं समझ पा, ध्यान रखिए एक चीज मैं जो आपको बोलना चाहूँ, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो यह मेरी इच्छा है कि आप सीखें और उम्मीद है कि आप भी सीखना ही चाहते होंगे। तो इस तरह से ज्ञान ट्रांसफर होता है यहाँ पर ना, वैदिक ज्ञान, ध्यान रखिए वैदिक ज्ञान को ना हम पैसे देकर खरीद सकते हैं ना पैसे ले करके हम दे सकते हैं। कोई कहे प्रभु जी मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा आप मुझे गीता समझा दीजिए, वह समझ लेगा गीता, समझ सकता है वह, नहीं समझ सकता है क्या, घोल के ग्लास में मिक्सर में पीस के पिला देने से समझ आएगा, नहीं ना। अथवा मैं कहूँ कि मुझे आप 20,000 रुपये दीजिए मैं सिखा दूंगा, इट इज पॉसिबल, नहीं संभव। व्यक्ति को साधना करना होता है, भक्ति करना होता है, तब यह ज्ञान ट्रांसफर होता है, समझ रहे हैं, तब यह समझ में आ सकता है। तो पहले इसी प्रकार से विनीत भाव से व्यक्ति सुनता था और ऐसा चैलेंजिंग एटीट्यूड पहले नहीं हुआ करता था, हाँ आप कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, हैं मैं तो नहीं मानता, मेरे अनुसार से तो मैं जिसको मानूं वही भगवान हो जाएगा, अरे हृदय में जिसको धारण कर लो वही भगवान होता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी तो उनका जो मंदिर है देवी काली का वो भी तो भगवान है, हैं वो दुर्गा देवी उनका भी तो भगवान है। तो इस प्रकार का चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं हुआ करता था पहले, तो लोग बड़े आसानी से उसको क्या करते थे, ग्रहण कर लेते, ठीक है। तो इस अगर इस प्रकार की भावना रहे तो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। प्रसाद छोड़ दीजिए आधा 15 मिनट के लिए, बाद में बनाइए, और डिस्टर्ब कर रहा है प्रसाद, बंद कर दीजिए अथवा किचन बंद कर दीजिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का, हाँ पर पढ़िए प्रभु, हरे कृष्ण। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसे इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल सूत्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। अच्छा एक बात थोड़ा बताइए प्रभुपाद जी, यहाँ पे केवल सूकरों की तरह, मतलब सुअरों की तरह सुनना क्यों बोल रहे हैं, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसा? आप लोग बता सकते हैं सुअर ही क्यों चूज किया? हाँ कहीं भी मुंह मारते रहता है प्रभु जी। हाँ दैट इज द पॉइंट, समझ रहे हैं, सुअर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है, क्या वस्तु है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह कुछ भी खा लेगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, बलमूत्र भी खा लेता है। तो इस संसार में आप जानते हैं ना सुअर कौन बनता है, इस संसार के महान सोच वाले व्यक्ति जो बोलते हैं ना हम जी खाने पीने में भेदभाव नहीं देखते, जो मिलता है खा लेते हैं, दाल चावल मिला दाल चावल भी, मीट मिला मीट भी, मछली मिला मछली, जो मतलब नॉन वेज वेज व्हाटएवर में मिलता है जी हम खा लेते हैं, हम खाने पीने में भेदभाव नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं वाव इतने उदार दिल के व्यक्ति है, चलो इसको सुअर बना देते हैं, ये तो मलमूत्र भी खा सकता है, फिर वो सवेरे सवेरे उठ के क्या खाता है, समझ रहे। तो भगवान इस प्रकार से जीव के ऊपर कृपा करते हैं, जैसी इच्छा वैसे भोग प्रदान भगवान कर देते हैं व्यक्ति को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तो कोई ऐसी आशा नहीं करते होंगे क्या, ओके थोड़ा समझिए इसको, प्रभा जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे सुअर कुछ भी खा लेता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सुन लेना चाहिए ना, यही ना, किसी से भी सुन लेना चाहिए कि नहीं सुन लेना चाहिए, हाँ सुन लेना चाहिए, किसी से भी सुनना चाहिए क्या? नहीं प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, नहीं तो फिर सूकर वाली स्थिति,
जैसे सुअर कोई अंतर नहीं देखता, क्या वह खा लेता है, जो मिले उसे खा ले, माल मूत्र पड़े पर खा लेगा, ठीक है। वैसे अरे देखो वह कितना अच्छा बोलता है, भले वो मायावादी सिद्धांत बोल रहे हैं बैठ गए, वह कितना अच्छा दिखता है, लोग तो इससे भी जाके सुन लेते हैं, है ना। कुछ सुंदर अगर माता जी प्रवचन कर रहे हैं, भले वो क्या प्रवचन कर रहे हैं, डजंट मैटर, लोग जाके बैठ। हमने देखा होगा ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल, माता जी नाउ डेज माता जी आर बिकमिंग वेरी फेमस, यू नो, क्योंकि ठीक है बाय। ओ एक्चुअली मैंने ऐसे सुना, आई डोंट नो, कि वो प्रवचन करने से पहले एक कैंप फ्रॉम ब्यूटी पार्लर, यू नो, प्रवचन करने से पहले ब्यास पीठ पर बैठने से पहले वो ब्यूटी पार्लर से आती है, देन स्टार्ट टॉकिंग। तो आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति होती है, एंड फिर सो मैनी डिवोटीज, नो डिवोटीज, सो कॉल्ड डिवोटीज, ठीक है। तो हमें किसी से भी नहीं सोचना चाहिए, किसी भी से भी नहीं सुनना चाहिए, अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, अच्छा डांस करता है, देखो नहीं वो दिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, हो सकता है वो मायावाद फिलोसफी बोल रहा हो, लेकिन जो भी भक्त सुन रहे हैं कृपया प्रयास करें कि चैनलों पर आने वाले हर प्रवचन को ना सुने, ठीक है। अक्सर हमें हम लोग जाते हैं तो गृहस्थ भक्त बोलते रहते हैं, हम भी बहुत भक्ति करते हैं, दिन भर प्रवचन सुनते रहते हैं, आस्था लगाते हैं, संस्कार लगाते हैं, पर वहां पे क्या आते हैं, कभी भी कुछ भी आते रहता है, मायावादी वाले भी उधर आते हैं, निराकार वाले भी उधर आते हैं, है ना, सब लोग अद्वैत मत, सब लोग वहां पे आ के बोलते रहते हैं, वाह देखो कितना अच्छा बोला, इसलिए बचना चाहिए, प्रमाणिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी सुना रहे हैं, एक तिलक लगाया है, धोती कुर्ता ले पहनी, हम तो सोचते हैं बहुत बड़े धार्मिक है, अब उसका इंटरनल क्या है तो पता नहीं, ठीक है। इसलिए अधिकारियों से सुनना चाहिए, इनसे सुनना चाहिए, अधिकारियों से। आपके कॉलेज के बुक्स को कोई भी व्यक्ति तो नहीं पढ़ा सकता है ना, पढ़ा सकता है, उसके लिए वह ट्रेंड होता है, वेल ट्रेंड होता है, वेल मेंटेन्ड होता है, उसके पास अच्छी डिग्री होती है, यू नो, देन ही इज एबल टू टीच यू, तब फिर वो आपको पढ़ा पाते हैं। इसी प्रकार से हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भाई क्या करें, हम प्रमाणिक गुरु से सीखें, किसे सीखें, प्रमाणिक गुरु का क्या है, जो सिगरेट पीता हो, नहीं हो, शराब पीने वाला प्रमाणिक गुरु होगा, चाय पीने वाला तो जरूर होगा, चाय तो पी सकता है। तुम लोग खाने में बहुत भेदभाव देखते हो, मैं नहीं देखता, तो होता है, नहीं होगा, ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और प्रमाणिक गुरु जो है ना, अपने मन की बात बोलता है, कहां से बोलता है, शास्त्रों के, कहां से बोलता है, शास्त्र के अनुसार बोल की बात बोलता है, अपने मन के बात बोलने वाला कभी प्रमाणिक नहीं हो सकता, यस। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए। शुष्क चिंतन मतलब क्या होता है, कि मतलब शास्त्र कोई आधार नहीं हो, अपने मन में जो आए बोलते रहना, पटर 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 कुछ भी करते रहना, यस। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है, जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। समझ रहे हैं, जब जीव, सब जीव भगवान के अधीन है, और क्योंकि मैं भगवान से विद्रोह करके यहाँ हूं, अतः भगवान की सेवा करूंगा, भगवान की कृपा से मैं भगवान का धाम जा पाऊंगा, एकदम क्लियर बात है, भगवान का भजन करके भगवान के पास मैं जा सकता हूँ, और कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है, और उनकी कृपा से ही। और यह भी साथ में ध्यान रखना है कि अगर हम साधना कर रहे हैं तो केवल साधना के बल से ही हम नहीं चले जाएंगे, 16 माला जप कर रहा हूँ, 4 माला 4 नियम पालन कर रहा हूँ, जाऊंगा ही, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, बोलना ही पड़ेगा उनको दरवाजा, कैसे नहीं लेके जाएंगे, नहीं, समझ रहे, भगवान की कृपा होगी तब जा सकते हैं, नहीं तो
इसलिए भगवान से प्रार्थना करते थे। यस, भक्ति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भक्ति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया है। एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। भगवान की भक्ति कर रहा है मतलब भक्ति करके वह भगवान के पास चला जाएगा। यस, पढ़िए। यस, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी आर कनेक्टेड। यस प्रभु, हरे कृष्ण। भाई सब अत्यंत सार्थक है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी भी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता रहती है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने सुना था ना, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ज्ञान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, उसकी स्मृति देते हैं, और अपोहनम मतलब उसका विस्मरण भी भगवान कराते हैं। तो अब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पर कृपा करके उसकी अविद्या का नाश कर देते हैं। समझ रहे हैं? जीव स्वरूपतः सच्चिदानंद है, लेकिन अज्ञान जिसको हम अविद्या भी कहते हैं, अविद्या के कारण दो प्रभाव होता है। क्या क्या मालूम है? बताओ, चर्चा किया था, याद है? चलो मैं रिविजन कराता हूं। एक आवरण आत्मिका था और एक प्रक्षेप आत्मिका, याद है आप लोगों का? अज्ञान के दो प्रकार क्या क्या थे? आवरण आत्मिका और प्रक्षेप आत्मिका, याद है? ये हमारी स्थिति प्रभु की हमें याद नहीं रहता है कुछ। आवरण आत्मिका मतलब क्या था? मतलब हमको ढक के रखता है, हमको ढक लेता है, हम जो हैं उसे पता नहीं चलने देता है कि हम लोग हैं कौन, कवर कर देता है। और प्रक्षेप आत्मिका मतलब जो हम नहीं हैं शरीर, उसमें हमको अभिनिवेश कर देता है। यह सब कैसे हो रहा है? अविद्या के कारण। और अविद्या कंट्रोल कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे विद्रोह करके भोग करना चाहते हैं। तब जब मैं भगवान, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिए, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं या फिर भगवान की कोई अन्य सेवा करते हैं, तो भगवान फिर क्या करेंगे? वो अपनी ही शक्ति से उनको तिरोहित करना शुरू कर। इसको आप भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भी देख सकते हैं, जहां पर श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि भाई सुबह शाम भागवत का श्रवण कीर्तन करने से जीव दुख से कैसे मुक्त हो जाएगा? दुख ग्राम विमुच्यते, कैसे? वो कहते यत वैशर्जी, जब भगवान की कृपा होती तब, ठीक है, जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसी मति होती है और वह भगवान की तरफ, और भगवान माया को क्या करते? खींच लेते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो माया उपरत हो जाती है, माया शांत हो जाती है। समझ रहे हैं? माया शांत हो जाती है, तब हम भगवान को समझ पाते हैं, अपने स्वरूप को। यस, भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। मतलब बैठ गया है पहुंच के। यस, वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है।
लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। क्या श्लोक है याद है? बहुनाम जन्मनाम मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक भी श्लोक प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सु को हटा दीजिए तो क्या पहली लाइन हो जाएगी? बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम, बस बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान। बहुत जन्मों के अंत के बाद जब व्यक्ति वाकई ज्ञानवान होता है, ज्ञान वाला होता है, तो माम प्रपद्यते। समझ रहे हैं? जब बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है तो क्या प्रपद्यते? कौन प्रपद्यते? कृष्ण प्रपद्यते। माने वह जान जाते हैं कि कृष्ण की भजन करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। अब सोचिए, अगर मतलब क्या कहते हैं, अगर वहां से माम प्रपद्यते हटा दिया जाए, क्या वह ज्ञानवान है? जीरो, है ना। बड़े बहुत ज्ञानी हो लेकिन फिर क्या हो गया? जीरो। समझ रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि बहुनाम जन्मनाम मन्ति ज्ञानवान ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान होने का क्या लक्षण है? माम प्रपद्यते। अब भाई माम प्रपद्यते ही नहीं है तो फिर ज्ञानवान को कहां से हुआ? ठीक है, अच्छा। अब चलिए, अब इस जीवन में कोई भक्ति कर रहा है, अब एक चीज बताइए, इस जीवन में अगर कोई भक्ति कर रहा है, भगवान की शरण में ले रहा है, तो क्या वह ज्ञानवान है? क्योंकि माम प्रपद्यते इज इक्वल टू ज्ञानवान प्लस बहुनाम जन्मना मन्ते, बहुनाम जन्मना मन्ते प्लस ज्ञानवान इज इक्वल टू माम प्रपद्यते। उल्टा करिए, माम प्रपद्यते इज इक्वल टू बहुनाम जन्मना मन्ते प्लस ज्ञानवान। समझ रहे हैं? तो अगर कोई ज्ञान, अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है तो वाकई वह क्या है? ज्ञानवान है। लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो वह ज्ञानवान नहीं, फिर शुष्क चिंतन। ठीक है, अगर वह भगवान का शरण जन्म ले रखा है तो उसने सारी रिसर्च पहले ही कर ली है। ठीक है, जो व्यक्ति इन तीन विषय को जानता है, श्लोक में क्या क्या सीखे हम लोग, जो व्यक्ति इन तीन विषयों को जानता है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष भगवान को जानता है, तो वह वेदों के सार को जानता है और वह भगवान भगवान की। अब करता है तो क्या वह सफल हो जाएगा? अगर भक्ति करता है जीवन में तो क्या उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी? इसको कल भगवान बताए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप की जय। जगद्गुरु श्रील हरे कृष्ण।